हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैक्सवेल स्टडी हब। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ प्रॉब्लम सेट टू। क्वेश्चन नंबर फोर इज शो दैट 5+√7 इज एन इरेशनल नंबर। वी सॉल्व सम लाइक दिस इन एक्सरसाइज नंबर 2.2 में हमने क्या किया, ऐसे एक सम सॉल्व किया है। लेट अज्यूम दैट 5+√7 इज अ इरेशनल नंबर। क्या अज्यूम किया कि अगर ये हमें क्या बताया कि रैशनल नंबर इरेशनल नंबर है, तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये रैशनल नंबर है। चलो मानते हैं कि ये क्या एक रैशनल नंबर है। देयरफॉर 5+√7 इज इक्वल टू a/b। अगर रैशनल नंबर है तो इस फॉर्म में आएगा a/b, वेयर a एंड b इंटीजर्स। यहाँ पे a और b क्या है, इंटीजर्स है। देयरफॉर √7 इज इक्वल टू 5, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या हो जाएंगे माइनस। √7 इज इक्वल टू a/b माइनस 5, राइट। नाउ √7 इज इक्वल टू a-5b। डिनोमीटर सेम करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो 5b। सो a-5b/b ये हमारा एक इक्वेशन बनता है। ये क्या है, इक्वेशन है। √7 इज इक्वल टू a-5b/b। अब इसमें a और b क्या है, इंटीजर्स है। इन इक्वेशन वन RHS राइट हैंड साइड इज अ रैशनल नंबर। ये क्या है, रैशनल नंबर है, राइट। बट LHS इज अ इरेशनल नंबर। √7 इज अ इरेशनल नंबर, √7 इज अ इरेशनल नंबर। और ये जो है a-5b/b, ये क्या है, रैशनल नंबर है। मुझे बताओ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों अलग अलग है, एक रैशनल है और एक इरेशनल है, तो दोनों इक्वल हो सकते हैं क्या, दोनों इक्वल हो सकते हैं क्या, नहीं। एंड इट्स अ कॉन्ट्राडिक्टरी। ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब मिसमैच है, ये हो नहीं सकता। मतलब क्या, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो अजम्पशन किया वो क्या है, रॉन्ग है। वो क्या है, रॉन्ग है। अगर वो रॉन्ग है तो 5+√7 इज अ इरेशनल नंबर, बिकॉज अवर अजम्पशन वॉज दैट 5+√7 इज अ रैशनल नंबर। लेकिन अगर रैशनल नंबर होता तो यहाँ पे दोनों साइड रैशनल हो जाते, लेकिन ऐसे नहीं हुआ है, मीन्स इट इज़ अ इरेशनल नंबर। अंडरस्टूड एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 5, राइट फॉलोइंग सर्च इन सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या बताया यहाँ पे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है 3/4√8 इज इक्वल टू, सिंपलेस्ट फॉर्म में देखो कैसे किया है, 3/4 × 4 × 2। मैंने कहा था ना कि 8 को हमें क्या करना है, तोड़ना है, एक्सपांड करना है ऐसे नंबर्स में कि उसमें से एक नंबर का हम लोग रूट ले सकते। सो 4 × 2, 4 का स्क्वायर रूट क्या है, 2, रूट 2, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। कट क्या यहाँ पे, तो बचेगा क्या, 3/2√2। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आया, 3/2√2। देयरफॉर 3/4√8 इज इक्वल टू 3/2√2, got it? -5/9 × √45, -5/9 × √45 अगेन इज इक्वल टू -5/9 × 9 × 5, 9 × 5 = 45, ओके। सो -5/9 × √5, वाई, बिकॉज 9 का स्क्वायर रूट क्या है, 3, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। सो -5/3√5 एंड देयरफॉर -5/9 × √45 इज इक्वल टू -5/3√5। आया समझ में,